नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमाशंकर और आप देख रहे हैं मौर्या किचन अप्लाइंसेज एंड इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो किचन अप्लाइंसेज की दुकान करना चाहते हैं या किए हैं, तो इस वीडियो से उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी दोस्तों। और ये वीडियो उन भाइयों के लिए भी है जो कुकिंग से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो हमारे घरों में एलपीजी गैस से जो गैस चूल्हा चलता है स्टील वाला, उसके ऊपर जो बर्नर लगता है, वो बर्नर दो टाइप का आता है दोस्तों। एक ब्रास बर्नर होता है, एक कास्ट आयरन का आता है, निकल लोहा में। तो इसी पर वीडियो दोस्तों, दोनों में क्या फ़र्क है, प्राइस में क्या फ़र्क है, क्वालिटी में क्या फ़र्क है, कौन ज़्यादा चलता है, कौन कम चलता है, तो दोस्तों वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बर्नर ब्रास का है, पीतल का है, ये कास्ट आयरन का है दोस्तों। दोनों को क्वालिटी में आपको फ़र्क लग रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों देख रहे हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं, वजन में है। ये कास्ट आयरन का आपका लोहे का, ये ऊपर कोटिंग है पॉलिश की। तो दोस्तों, रेट में भी फ़र्क है और क्वालिटी में भी, तो चलता कौन ज़्यादा, तो दोस्तों ये पीतल बर्नर ज़्यादा चलता है। इसमें एक फ़ायदा होता है दोस्तों, ये यहाँ से जो है ये गलता नहीं है। ये इसका खांचा जो आप देख रहे हैं डाई, ये कटिंग, ये ऐसे ही बना रहता लंबे समय तक, और साइड से गैस लीकेज नहीं होती। और आपका मिक्सिंग ट्यूब जो है, जो इसके जिस पर ये बैठता है मिक्सिंग ट्यूब, वो मिक्सिंग ट्यूब गर्म होके ख़राब नहीं होता, जो सिकुड़ जाता है, फट जाता है, उस तरह से नहीं हो पाता। तो ब्रास बर्नर का एक फ़ायदा ये भी है, मिक्सिंग ट्यूब की लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ब्रास बर्नर ही लगवाएं, और ये जल्दी ख़राब हो जाता है दोस्तों। हालांकि ये सस्ता भी है, अगर कम बजट में लेना चाहते हैं तो ये भी सही है, लेकिन इसको समय पर बदल देना चाहिए। नहीं तो जब इसका ये घाट ख़राब हो जाता है तो साइड से गैस निकलने लगती है, और आपका ये मिक्सिंग ट्यूब जो जिस पर ये बर्नर बैठता है, वो मिक्सिंग ट्यूब जो है गल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ख़राब हो जाता है दोस्तों। बस इतना ही फ़र्क है, काम दोनों का बढ़िया है, उम्र कम है। तो दोस्तों, ये मार्केट में आपको ये सेट जो है 260 से 270 280 तक 10-20 का फ़र्क हो सकता है, आपके यहाँ मिल सकता है। ये दोस्तों 120 से 130 सेट जोड़ा, दोनों 10-20 का फर्क हो सकता है दोस्तों, ये मार्केट में मिल सकता है। तो दोस्तों, यही छोटी सी जानकारी के साथ इस वीडियो में उपस्थित हुआ था। दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। और अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है दोस्तों। दोस्तों, किचन अप्लाइंसेज पे, रिपेयरिंग पे बहुत सारी वीडियो आएंगी, तो हमारी किचन अप्लाइंसेज पे जो रिपेयरिंग से संबंधित या पार्ट रिव्यू या पार्ट के बारे में, रेट प्राइस के बारे में जो भी वीडियो आएगी, वो जो इस फील्ड में नई नई दुकान करना चाहते हैं जो भाई, उनके लिए भी काफ़ी मददगार सिद्ध होगी, ठीक है दोस्तों। तो वो हमारी वीडियो देख के अपना किचन अप्लाइंसेज का, ये जो चूल्हे का पार्ट वगैरह बेचा जाता है, सारा सामान के बारे में जब जानकारी हो जाएगी हमारी वीडियो को देख के, प्राइस के बारे में, बिक्री रेट के बारे में, तो अपना वो निजी दुकान आसानी से कर सकेंगे। तो इस लाइन में दोस्तों जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।